पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। समाज में उन्माद पैदा करना, नरसंहार, हत्या, अपहरण का उद्योग चलाना, ये सब राजद की संस्कृति का पाठ है। और राजद के युवराज जो हैं, जंगल राज के युवराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रांसफर पोस्टिंग में जो रिटायर ऑफिसर हैं उनके द्वारा ये मोटी कमाई की जाती है और ट्रांसफर पोस्टिंग की डील होती है। इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। कि समाज में उन्माद पैदा करना, नरसंहार, हत्या, अपहरण का उद्योग चलाना, ये सब राजद की संस्कृति का पाठ है। और राजद के युवराज जो हैं, जंगल राज के युवराज, नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ये जिस समय सत्ता में थे, इनके माता पिता सत्ता में थे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे या नहीं करते थे? किसी भी विषय पर अनर्गल बयानबाजी करना, अरे आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के साथ मिलकर समाज में सामाजिक सौहार्द, शांति और विकास के लिए पूरी तत्परता से लगे हैं। थोड़े दिन के लिए उनको बुला लिए थे, मुख्यमंत्री जी खुद कहा कि ये तो तनाव ही पैदा कर रहा था, समाज को लड़ाने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का, यही सिर्फ इनका काम रह गया था। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता था क्या, या जंगल राज के युवराज विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी यादव, पहले आप ये बताएं कि उनके पिता के कार्यकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी, गाढ़े कमाई किया जाता था, जनता के पैसों को लूटा जाता था उनके समय में, और जो अपराध था उसमें चरम सीमा पर था, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और इसी के साथ जीतन राम मांझी ने भी अपने बयान में गवाही देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं भी उनके साथ था तो वहाँ मुख्यमंत्री आवास में एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था, डॉक्टर के परिजन जब आए कि वहाँ उनको छोड़ दिया जाए, तो लालू प्रसाद यादव मेरे ही सामने ये कहते नजर आ रहे थे कि ये लोग भूखे हैं, कुछ पैसे दे दीजिए और इनको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह का कार्य उनके मुख्यमंत्री आवास से होता था, ये बयान जीतन राम मांझी भी दिए थे। और अब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में जो मोटी कमाई होती थी, जनता के पैसों को लूटा जाता था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस समय तेजस्वी यादव को अपने पिता से तो पूछ लेना चाहिए और तब इसके बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी करना चाहिए। ये जो भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं ये उचित नहीं है, इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।